विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच एक बड़ा सवाल उभर रहा है कि क्या दो चीफ मिनिस्टर, दो बड़े नेता, एक उत्तर और एक दक्षिण के, क्या ये दोनों विपक्षी गठबंधन की प्रक्रिया को, नेताओं को, प्रयासों को वाकई डिच करेंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, उसके अध्यक्ष हैं। क्या ये दोनों नेता एक दौर में जो लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, क्या विपक्षी एकता के मुद्दे पर ये पीछे हट गए हैं या पीछे हट जाएंगे पूरी तरह? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पर कुछ मुझे नई इंफॉर्मेशंस मिली हैं, नई सूचनाएं मिली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आम तौर पे जो मेनस्ट्रीम मीडिया है जिसको, वो नहीं इन पर बात करता। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में बहुत सारी बातें आईं जो उन्होंने पटना की विपक्षी एकता की बैठक में नेताओं के सामने 23 तारीख को जो कुछ कहा उसमें कुछ एक बातें आईं, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं आ पाईं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बैठक में जो उनके साथ तीन लोग गए थे, भगवंत मान साहब भी थे, संजय सिंह भी थे और राघव चड्ढा भी थे, अचानक जो है जब भी बात होती थी खासकर आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही बचकानापन दिखाते थे और बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस पहले घोषित क्यों नहीं कर देती है, समस्या क्या है कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं द्वारा, टॉप लीडरशिप द्वारा बिल्कुल ठोस संकेत दे दिए गए कि अध्यादेश जैसे मसले पर, जो अनडेमोक्रेटिक है, उस पर कांग्रेस के पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, यानी वो अध्यादेश को वाकई उसका विरोध करेगी, ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी डेमोक्रेसी के लिए चुनाव में उतर रही है, जो पिछले 9 साल से लगातार डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक किस्म के ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करे? ये बिल्कुल क्लियर था, विपक्षी नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल को इस संकेत दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि विपक्षी एकता की बैठक में इसी बात का ऐलान हो, यानी विपक्षी एकता के सारे मामलों को रफा दफा कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए और सिर्फ एक हेडलाइन बने कि अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक में जीते और कांग्रेस को झुकना पड़ा और ये जो मामला है अध्यादेश का वो हल हो गया, कि कांग्रेस पार्टी जब कभी पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें वो इनका साथ देगी। अब ये जो उनकी प्लानिंग थी दरअसल दोस्तों कैसे फेल की, कैसे उनको शिकस्त मिली, तमाम उनकी चालबाजी के बावजूद, तमाम उनकी चालाकियों के बावजूद, तमाम उनकी तेजी के बावजूद, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, हालत ये हो गई कि जब कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से सफाई आ गई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात आ गई कि ये विपक्षी एकता की बैठक है, इसमें पार्लियामेंट के सामने आने वाले, पार्लियामेंट सेशन के सामने आने वाले जो मुद्दे हैं वो डिस्कस नहीं किए जा सकते, जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कार्रवाई तय कर लेंगे, बिल्कुल साफ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर शिकायतों के पुलिंदे के साथ पेश हो गए मीटिंग में। एक दफा तो उन्होंने यह भी कह दिया कि राहुल जी कभी बुला लेते, चाय पर ही बुला लेते, बातचीत हो जाती। अब सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी आपको चाय पर नहीं बुलाए, नाराजगी इसकी है, आपको नाराजगी इस बात की है कि अध्यादेश पर पहले ही आपके दबाव में आकर बयान नहीं दिए, किस बात की नाराजगी है? तो दोस्तों, पूरी बैठक जो विपक्षी एकता के प्रयासों की है उसको डिरेल करना एकमात्र जो मकसद था आम आदमी पार्टी के नेता का था, दिल्ली के मुख्यमंत्री का था, ऐसा विपक्षी एकता के प्रयासों में लगे एक पार्टी नहीं, अनेक पार्टी के नेताओं का कहना था। और जिन लोगों से मैंने बात की उनमें से सबने ये बात शेयर की, और मजे की बात यह है कि इनमें ऐसे भी लोग थे जो शुरू में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ सिंपैथेटिक थे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्वयं विजिट करके उन लोगों से मिले थे, उन नेताओं से मुलाकात उन्होंने की थी, लेकिन वे सब पीछे हट गए
और ले देकर अरविंद केजरीवाल अपनी जो योजना थी, अपना जो एजेंडा था, विपक्षी एकता के प्रयासों को एक तरह से पटरी से उतारना, उस प्रोजेक्ट में बुरी तरह फेल कर गए। और दोस्तों इसके बाद वहां पर उमर अब्दुल्ला, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं एक प्रदेश के, महबूबा मुफ्ती, इन दोनों से उनकी बकचक भी हुई और दोनों ने इनको जो जवाब दिया वो कुछ हद तक मीडिया में आया है, लेकिन वो पूरे बयान, पूरा उनका बयान नहीं आया है। अगर मैं उस पर जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा और हमारा दूसरा जो विषय है वो उस छूट जाएगा। दोस्तों ये बहुत संभव है कि केजरीवाल साहब कुछ दिन और, हो सकता है शिमला तक या शायद उसके बाद भी बैठें, लोगों से बातचीत करें, विपक्षी एकता प्रयासों में जुड़े दिखाई पड़ें, लेकिन लंबे समय तक वो विपक्ष के साथ रहने वाले नहीं हैं। और इसके कई कारण हैं। शिमला तक बने रहने का एक कारण तो यह है कि विपक्ष का पूरा समर्थन उनको अध्यादेश के मुद्दे पर चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में, चलो लोकसभा में प्रचंड बहुमत है बीजेपी का, लेकिन राज्यसभा में तो नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको सपोर्ट की जरूरत है कांग्रेस के, तो हो सकता है कि एकता के प्रयासों में आगे वो कुछ दिन जुड़े रहें, लेकिन केजरीवाल को भी सरकार की जरूरत है। सरकार का मतलब केंद्र सरकार, उसकी नरम दिली की जरूरत है, उनके सॉफ्ट कॉर्नर की जरूरत है। बहुत सारी परेशानियां हैं आम आदमी पार्टी में और उसकी सरकार के दो मंत्री तो जेल में है, आगे न जाने और क्या क्या हो सकता है। दूसरी जो कथा है वो ये है, अरविंद केजरीवाल की तरह ही बल्कि इनसे आगे बढ़ चढ़कर के चंद्रशेखर राव एक जमाने में, और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, पिछले साल अगस्त महीने में के चंद्रशेखर राव हैदराबाद से प्रोजेक्ट के तहत विपक्षी एकता के पहुंच गए पटना। पटना में उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ बैठक की, न जाने क्या क्या ऐलान उनका करना वो चाहते थे नेताओं से, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट बरती और कुल मिलाकर ये देखा गया कि वो स्वयं चाहते हैं कि विपक्षी एकता का जो प्रयास चले उसमें उनको केंद्र माना जाए। एक तरह से वो ये भी चाहते थे कि उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्शन मिले, एक चेहरा बनाकर पेश किया जाए। लेकिन वही चंद्रशेखर राव इस वक्त दोस्तों, जब वो भारत राष्ट्र समिति बना चुके हैं, और भारत राष्ट्र समिति क्यों उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया था कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करना है, उनकी सरकार को 2024 के चुनाव में शिकस्त देनी है, बीजेपी की जगह विपक्षी गठबंधन को बैठाना है जिसमें उनकी भी भूमिका होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना व्यवहारिक कितना था या नहीं था, मेरे हिसाब से बिल्कुल व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि तेलंगाना में सीटें भी कम हैं और उनकी पोजीशन भी ऐसी नहीं है कि सारी की सारी सीटें वो जीत जाएं, और सारी सीटें वो जीत भी जाएं तो भी अनेक ऐसे राज्य हैं जहां सीटें बहुत ज्यादा हैं और जिनके नेताओं के पास शायद उनसे ज्यादा सीटें रहेंगी, कांग्रेस तो निश्चय ही बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में उनके अपने हसीन सपने थे, लेकिन इस बीच में घटना घटी दोस्तों कुछ महीने पहले कि उनकी पुत्री के कविता, जो सांसद रह चुकी हैं, उन पर एक्साइज जो स्कैंडल घोटाला जो है उसमें उनको अभियुक्त बना दिया ईडी ने, छापेमारी की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको बुलाया गया और ऐसा लगा कि वो गिरफ्तार हो जाएंगी। इसी बीच में न जाने क्या चमत्कार हुआ, कोई नहीं जानता उस चमत्कार को, कि कविता जी से फिर कोई आगे पूछताछ ईडी ने नहीं की। ईडी ने उस मामले को फिलहाल स्थगित सा कर रखा है या ठंडे बस्ते में डाल रखा है या अस्थायी तौर पे उसको रोक रखा है, मैं नहीं जानता, लेकिन कोई अभी कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ी, न्यूज में भी नहीं आई। इस बीच में के चंद्रशेखर राव की पार्टी में भी नाराजगी उभरने लगी। उनके तौर तरीकों से पहले ही पार्टी में बहुत सारे लोग नाराज उनसे थे, असंतुष्ट थे। और दोस्तों अभी पता यह चला है कि जिस तरह के चंद्रशेखर राव की पार्टी में बहुत सारे लोग नाराज थे या नाराज हैं, अभी तो 35 लोगों ने, दो बड़े पार्टी नेताओं की अगुवाई में 35 लोगों ने टीआरएस के यानी बीआरएस के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। और ये जो दो नेता हैं दोस्तों, कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी हैं,
इनकी अगुवाई में 35 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, और जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन किया बकायदे राहुल गांधी और खड़गे साहब और तारिक अनवर सभी लोग मौजूद थे वहां। और दोस्तों इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई है जिस पर ज्यादा नजर दिल्ली के प्रेस की नहीं है, दिल्ली के मुख्य धारा मीडिया में ये बात नहीं आई है ज्यादा, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता नाराज हैं। किससे नाराज हैं? अपनी पार्टी से। वो अपनी पार्टी से क्यों नाराज हैं? उनका ये कहना है कि जो टीआरएस भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रही थी हाल के वर्षों में, और भारतीय जनता पार्टी उनकी मुखालफत कर रही थी, उनसे नाराज थी, बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी का टीआरएस यानी बीआरएस के प्रति रवैया बदल गया है। काफी बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक मुलायम रवैया अख्तियार किया जाए। तो इन नेताओं को लगता है जो अलग अलग पार्टियों से बीजेपी में गए थे कुछ साल पहले, कि अब जब बीआरएस यानी तेलंगाना राज्य समिति के जो नेता हैं उनके साथ बीजेपी का बीच बचाव अगर चल रहा है या कम से कम युद्ध विराम हो गया है, तो फिर उनको इस पार्टी में रहने का औचित्य क्या है बीजेपी में, जो वहां पर विपक्षी पार्टी है। और ऐसे नेताओं में एक नेता है के राजगोपाल रेड्डी जो एक्स एमपी हैं, एक नेता है एटला राजेंद्रा। ये दोनों नेताओं ने बीजेपी को, केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है कि अगर चंद्रशेखर राव के साथ किसी तरह की अंडर हैंड डीलिंग है पार्टी की या कोई कोलेबरेशन है या संभावित है, तो वे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसे नेताओं को आश्वस्त करने में लगा है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के कुछ बड़े सियासतदान भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस यानी बीआरएस इन दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व के बीच बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में के चंद्रशेखर राव, जिनको एक जमाने में बीजेपी के बहुत अच्छे मित्र थे, अभी पिछले दिनों नागपुर गए थे, वहां भी उन्होंने बीजेपी के टॉप लीडरशिप के बारे में बड़े पॉजिटिव कमेंट किए, लेकिन बीच में न जाने क्या हो गया था कि इतने तीखे बन गए थे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, खासकर जब उनके परिवार पर हमले होने लगे थे, जब लगा था कि ईडी टूट पड़ेगी, लेकिन अब थोड़ा सा मुलायम पड़ गए हैं, फिर बीजेपी के प्रति एक नरमी दिखाई दे रही है। इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि टीआरएस या बीआरएस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा तो हरगिज नहीं होने वाली है, और वैसे भी पटना बैठक में उनका न आना, उनको न बुलाया जाना, ये भी बिल्कुल साफ संकेत है कि उन्होंने भी इशारा कर दिया था कि वो फिलहाल विपक्ष के किसी भी गोलबंदी का हिस्सा नहीं बनना चाहते या नहीं बन सकते। तो दोस्तों तेलंगाना की राजनीति में इसको लेकर काफी हंगामा है, और कांग्रेस बहुत तेजी से उभर रही है। जिस कांग्रेस के बारे में समझा जाता था कि वो तेलंगाना में बहुत कमजोर पड़ गई है, शायद बीजेपी ना उसको रिप्लेस कर ले विपक्ष के रूप में, मुख्य विपक्षी दल के रूप में, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि बीआरएस की मौजूदा सरकार यानी केसीआर की सरकार और कांग्रेस के बीच में इतनी जबरदस्त लड़ाई है कि इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें रिजल्ट क्या होंगे अभी कोई नहीं बता सकता। कुछ ही समय पहले तक माना जाता था कि केसीआर बहुत कंफर्टेबल है, आज जो राजनीतिक विश्लेषक हैं खासकर तेलंगाना के वो ऐसा नहीं कह पा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारी स्टोरी यही थी कि कैसे ये दोनों नेता विपक्षी गठबंधन, विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसको वाकई धोखा दे सकते हैं।